हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के टेक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना किसी भी तरीके का कीमती सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डेली टेक न्यूज़ लाता रहता हूँ। आज की पहली टेक न्यूज Realme को लेके आया दोस्तों। Realme अपना एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द मार्केट में लेके आने वाला दोस्तों, जो कि Realme X50 का एक नया एडिशन होगा, यूथ एडिशन के नाम से जाना जाएगा। इसकी सर्टिफिकेशन के दौरान पकड़ा गया दोस्तों, जिसमें यह कंफर्म हो चुका है कि इसमें आपको एक 8GB रैम वाला वेरियंट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आपको 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि Realme अपने इस स्मार्टफोन को कब तक और किस प्राइस रेंज पर लेके आता है। अगली न्यूज WhatsApp को लेके आया दोस्तों। WhatsApp का एक बीटा वर्जन जो कि पेश किया गया दोस्तों, उसमें अभी हाल ही में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप वीटा यूजर हैं तो वो आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वीटा वर्जन में यह ऑप्शन अब दे दिया गया कि अब आप 4 से ज्यादा लोगों के साथ एक बार में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा अवेटेड ये अपडेट में डिमांडेड था दोस्तों। हर बार लोग डिमांड कर रहे थे कि इस फीचर्स को इनबिल्ट किया जाए, लेकिन अब आपको वीटा में देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि व्हाट्सएप कब तक अपने स्टेबल वर्जन में यह अपडेट देता है और सबसे पहले iOS में देता है, एंड्रॉइड में देता है या फिर दोनों को एक साथ देता है दोस्तों, यह अभी सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और मुझे आप ये कमेंट करके नीचे जरूर बता देना दोस्तों कि आप इस फीचर्स के लिए एक्साइटेड हैं, अगर हैं तो वो नीचे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। अगली न्यूज Realme को लेके आया दोस्तों। Realme का नार्जो सीरीज जिसकी लॉन्चिंग डेट कंफर्म कर दी गई दोस्तों, 21 अप्रैल को इसकी लॉन्चिंग डेट कंफर्म कर दी गई है। 21 अप्रैल को इंडिया में इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके इवेंट रखी गई है दोस्तों, जिसमें आपको दो नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जो कि नार्जो 10 और नार्जो 10A के नाम से आएगा दोस्तों। और वहीं अगर हम कुछ लीक्स वगैरह की बात करें तो आपको नार्जो 10 में हो सकता है तो मीडियाटेक का हीलियो G80 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जिसके साथ अभी तक इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया गया दोस्तों। और दूसरा जो स्मार्टफोन होगा नार्जो 10A, उसमें आपको मीडियाटेक का G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो बाकी देखते हैं कि Realme इसे किस प्राइस रेंज पर लेके आता और इसकी सेल कब से शुरू करता है दोस्तों, ये सारी डिटेल मैं आपको उस इवेंट के बाद जरूर से बता दूंगा। अगली न्यूज एप्पल को लेके आया दोस्तों। एप्पल का जो अपकमिंग फोन है iPhone 12, उसके कुछ लीक्स वगैरह सामने कन्फर्मेशन निकल के आई दोस्तों, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आपको बैक में 4 कैमरे का सेंसर देखने को मिलेगा दोस्तों, और वहीं इसकी जो बेजल्स है उसे भी कम कर दी गई और साथ ही साथ इसके थिकनेस को भी कम कर दिया जाएगा और इसके जो कैमरे का बम्प था दोस्तों उसे भी कम किया जा रहा है। तो देखते हैं कि बाकी एप्पल अपने इस प्रोडक्ट के साथ क्या लेके आता है। और जो हमेशा से सबसे बड़ी बात होती है एप्पल के प्रोडक्ट के साथ दोस्तों, वो कि यह किस प्राइस रेंज पर लेके आता है, क्योंकि हाल ही में इसने जो नया स्मार्टफोन लॉन्च किया क्या किया वो आपको पता ही है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो वो उसके भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप जाके ज़रूर से देख लेना। अगली न्यूज़ इंडियन गवर्नमेंट की ओर से निकल गया दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया चैलेंज पेश करा दोस्तों, जो कि जूम ऐप के इतनी सारी हैकिंग के वजह से आईडीज वगैरह बेच दी गई दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको टेक न्यूज़ में बतला भी दिया दोस्तों। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली तरीके से चैलेंज जारी करा, जो कि सभी टेक कंपनीज को लेकर है दोस्तों, कि वो अब इंडिया का खुद का दोस्तों एक वीडियो कॉलिंग ऐप बनाए, डेवलप करें, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट खुद उन्हें सपोर्ट करेगी दोस्तों, जिसमें आपको 2.4 करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट की ओर से दी जाएगी, जिसकी अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू भी कर दी गई। तो जो टेक कंपनीज है वो इनमें लग गए हैं, तो देखते हैं कि हमें कौन सी टेक कंपनीज की ओर से या हमें इंडिया का अपना वीडियो कॉलिंग ऐप देखने को मिलता है और कब तक देखने को मिलता है। अगली न्यूज़ Xiaomi को लेकर है दोस्तों। Xiaomi ने एक अपना नया अजीबोगरीब फिर से प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया दोस्तों, जो कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर है दोस्तों। इसके अगर हम नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका जो नाम रखा गया मी रोबोट वैक्यूम मोप पी के नाम से जाना जाएगा। इसकी मदद से आप अपने घर में झाड़ू पोछा सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात कर ले तो इसकी कीमत जो है 18,000 रुपये रखी गई है और इसकी जो हमें शिपमेंट शुरू की जाएगी दोस्तों, इसके भी तो बुकिंग चल रही है, और इसके शिपमेंट की बात करें तो आपको 15 सितंबर से इसकी शिपमेंट शुरू कर दी जाएगी। तो Xiaomi इस तरीके का अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स लाता रहता है दोस्तों। मुझे जहाँ तक याद है दोस्तों, Xiaomi बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ ला चुका है, शायद ही कोई ऐसा उसका प्रोडक्ट बचा हो जो कि इसने लॉन्च
नहीं किया हो वो अगर आपको पता हो दोस्तों तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर से बता देना। अगली न्यूज एप्पल को लेके आया दोस्तों, एप्पल का आईफोन SE 2020 जो कि इंडिया में लॉन्च हो गया दोस्तों। 15 अप्रैल को इसकी लॉन्चिंग रखी गई थी और इसके मैंने सारे एक वीडियो भी बना रखा है। तो आपके बहुत सारे लोगों का डिमांड था दोस्तों कि इसमें रैम कितना है, कितना बैटरी यूज किया गया दोस्तों, वो सारे डिटेल्स भी अब कन्फर्मेशन निकल के आ गए दोस्तों। जिसमें अगर हम बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 1812 mAh की बैटरी दी गई है, साथ ही साथ इसमें 3 GB रैम भी दिया गया है। तो रैम तो ठीक है दोस्तों, लेकिन बैटरी मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है दोस्तों कि कोई इतने प्राइस रेंज पे 42,500 रुपये जो इसका मिनिमम प्राइस रेंज है दोस्तों, उसके खर्च करने के बाद आपको 1812 mAh की बैटरी देखने को मिले दोस्तों। तो क्या आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहोगे? ऐसे तो एप्पल का प्रोडक्ट है दोस्तों, तो बाकी तो एक्सपेंसिव होते ही, लेकिन इस तरीके के एक्सपेंसिव और ऐसे प्रोडक्ट मेरे समझ से बाहर है दोस्तों, वो भी आप नीचे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते। अगली न्यूज हुआवे को लेके आए दोस्तों, हुआवे एक नया अपना पेटेंट दे चुका है दोस्तों, जिसमें वो कन्फर्मेशन मिल रही है कि एक नया स्मार्टफोन ये मार्केट में लेके आने वाला है जो कि एक एक्सपेंडेबल स्क्रीन के साथ आएगा दोस्तों। फोल्ड फोन तो हमें बहुत सारे देखने को मिल गए, सैमसंग हुआवे इन दोनों ने बहुत सारे फोन्स लॉन्च कर दिए हैं दोस्तों, लेकिन यह एक नया टेक्नोलॉजी के साथ लेके आना जो कि एक्सपेंडेबल स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि हुआवे ऐसा कोई स्मार्टफोन कब तक लेके आता और किस प्राइस रेंज पर लेके आता है दोस्तों, और इंडिया में लेके आता है या फिर नहीं। अगली न्यूज Redmi को लेके आए दोस्तों, Redmi का एक नया स्मार्टफोन जो कि टीना सर्टिफिकेशन के दौरान पकड़ा गया दोस्तों, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह Redmi Note 9 का ही कोई एक नया सीरीज हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कन्फर्मेशन मिली है कि आपको 48 MP का मेन कैमरा रियर में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा और 22.5 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिला, साथ ही साथ इसमें आपको 5000 mAh बैटरी भी देखने को मिल सकता है जो कि लगभग Redmi Note 9 के सीरीज से ही मिलता जुलता है दोस्तों। तो बाकी देखते हैं कि यह कौन सा स्मार्टफोन Xiaomi मार्केट में लेके आने वाला, और लेके भी आता है तो इसे किस नाम से लेके आता है दोस्तों, वो भी देखते हैं। अगली न्यूज YouTube को लेके आए दोस्तों, Google ने YouTube पर अपना एक नया लर्निंग चैनल डाल दिया दोस्तों जो कि YouTube लर्निंग के नाम से है। अगर आप YouTube को ओपन करते हैं और वहां पर आप सर्च करते हैं दोस्तों YouTube लर्निंग, तो आपको एक नया चैनल देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी, सारी लैंग्वेजेस में आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो घर पे बैठे दोस्तों स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए वहां सारी कुछ देखने को मिल जाएगी और एंटरटेनमेंट से भी जुड़ी सारी चीज़ वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट है दोस्तों, तो ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर एक बार जाकर ज़रूर से विजिट करें दोस्तों, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लें। अगली न्यूज़ रिलायंस और फेसबुक को लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ये दोनों मिलकर एक नया ऐप डेवलप करने वाले हैं दोस्तों जो कि सुपर ऐप के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, मतलब आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, होटल, फिर ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारे, फिर फ़ोन रिचार्ज, DTH रिचार्ज, आज सारी चीज़ एक ही एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि रिलायंस और फेसबुक दोनों मिलकर इस ऐप को डेवलप करने वाला है। यह लॉकडाउन की वजह से इसकी कुछ डेट वगैरह बढ़ गई है, तो बाकी देखते हैं कि रिलायंस और फेसबुक की ये दोनों मिलकर क्या और किस तरीके के एप्लीकेशन हमारे लिए लेके आता है। अगली और आखिरी न्यूज जो वो सैमसंग को लेके आया दोस्तों, सैमसंग एक अपना नया ऐप डेवलप कर चुका है दोस्तों जो कि हैंड वॉश के नाम से जाना जाता है, यह आपको गैलेक्सी वॉच में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको टाइम टू टाइम आपको एक अलर्ट दिया जाएगा कि आपको अपने हैंड को वॉश करना है दोस्तों, और साथ ही साथ इसे आप अपने मैन्युअली तरीके से सेट भी कर सकते हैं। ऐसे ये कंपनीज की ओर से आपको एक सेटेड मिलेगा रिमाइंडर के साथ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसके टाइम को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक गैलेक्सी वॉच है दोस्तों, तो आप इस फीचर्स का आनंद जरूर लेना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डेली टेक न्यूज़ लाता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों, अभी हमें जब तक लॉकडाउन है घर पर रहना है, सेफ रहना, खुद को सेफ रखना है, दूसरों को सेफ रखना है दोस्तों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर से बाहर ना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। तो बस जय हिंद, जय भारत।